जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहार टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उजज्जहां। 17 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसे कोविड-19 के कार्य समेत अन्य तरह की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। बिहार शरीफ के जिला स्वास्थ्य समिति में कर्मी जमा होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। इस मौके पर बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि इस कोरोना संकट में भी जी जान लगाकर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। अब तक डाटा ऑपरेटर समेत कई कर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, फिर भी सरकार इनके सुरक्षा के प्रति लापरवाह बनी हुई है। ना ही प्रोत्साहन के तौर पर उन्हें पैसे मिल रहे हैं। इसके विरोध में सोमवार को सांकेतिक हड़ताल किया गया है। अगर मांग नहीं पूरी हुई तो 21 से बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक, डाटा ऑपरेटर, लेखापाल, हेल्थ मैनेजर, कालाजार, तकनीकी पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला पर्यवेक्षक, पारा मेडिकल वर्कर, फार्मासिस्ट, आरबीएस कि एएनएम व अन्य लोग भी शामिल होंगे। मांग पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया प्रवक्ता उज्जवल कुमार ने संविदा कर्मियों से इस आंदोलन में सहयोग कर इसे सफल बनाने की अपील की। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी। ये 17 सूत्री मांग है जो काफी वर्षों पुरानी मांग है। अभी तक सरकार के तरफ से बार बार आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। 2014 में भी हड़ताल हुआ था, 17 में भी हड़ताल हुआ था, केवल आश्वासन, और आज तक एक भी मांग सरकार द्वारा और विभाग द्वारा पूरी नहीं की गई है। इस कोरोना काल में भी हम सभी लोग जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी सरकार का ध्यान संविदा कर्मियों पर नहीं है। फिर सरकार से मांग करते हैं कि जो भी उनसे मांग की गई है उसको अविलंब पूरा करें। धन्यवाद। क्या नाम हो गया? इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।